एफ एन ऑफ स्टॉक पहला मैंने पासिंग में मैंशन किया था इंडस टावर आई थिंक uh, एक uh, इंडस टावर पर व्यू काफ़ी टाइम से बुलिश रहा है और uh, जिस दिन टेरिफाइक हुई थी उस दिन भी एक चीज़ ये बोली गई थी कि डार्क हाउस इंडस टावर है बिकॉज वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल इनके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव आई थिंक ये चार्ट देखिए क्या इसने बहुत तंग किया लोगों को लेकिन एक बार चलना शुरू हुआ उसके बाद बस ये स्टॉक रुका नहीं उसके बाद बस और ये मंथली चार्ट है इस चीज़ को समझ लीजिए आप किस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम है इंडस टावर में एक बहुत शानदार नाइन ईयर्स का राइजिंग चैनल ये स्टॉक क्रॉस कर रहा है छः दिनों से अच्छी डिलीवरी बाइंग भी हो रही है यहाँ पर आज इसको चुनने का एक और कारण था बैन से बाहर आया जाए ये तो आज इसमें आप थोड़ा सा अगर चाहें तो ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑल टाइम हाई पर है ये स्टॉक ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और फिर आज ही के दिन पिछले साल ये स्टॉक मेरी स्पॉटलाइट में आया था उस दिन रेट पता आपको कितना था वन वन सिक्सटी सिक्स उस दिन रेट था पहली बार जब ये स्टॉक का स्पॉटलाइट में आया था वो आज का ही दिन था और अब वन सिक्सटी सिक्स से थ्री नाइन्टी सिक्स इस तरीके के आपने मोज दिए हैं वन थर्टी एट परसेंट रिटर्न इसने आपको कमा के दिए हैं एक साल में ये इस तरीके का कमा रहा है अगेन वेल्थ होल्ड में होल्ड करने में ही बनती है इस चीज़ का एक अगेन अनदर एग्जाम्पल एक्साइड एक और स्टॉक जो Uh, मेरी स्पॉटलाइट में आई थिंक uh, पिछले साल आया था जून में यहाँ पर भी देखिए किस तरीके के मोमेंटम है और ये इसका वीकली चार्ट है आई थिंक uh, शानदार मोमेंटम यहाँ पर भी छः साल का एक राइजिंग चैनल क्रॉस हो रहा है और दो गुना डिलीवरी वॉल्यूम्स थे कल कल डिलीवरी वॉल्यूम्स इसके बहुत शानदार थे इसके लिए मेरे एक्चुअली स्कैनर पर आया ये uh, एक्साइड का चार्ट कल और uh, एक महीने की ऊंचाई पर इसका ओपन इंटरेस्ट भी है एफएनओ में लॉन्ग बिल्डअप है अगेन एग्जैक्टली exactly एक साल पहले थोड़ा उससे पहले 21 जून को ये पहली बार स्पॉटलाइट में आया था तब रेट था दो सौ अब पांच सौ का जंप इस स्टॉक ने दिया इन दोनों स्टॉक्स ने शानदार रिटर्न्स दिए जब पहली बार स्पॉटलाइट में आए थे उसके मुकाबले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं है इन लेवल्स पर अगर आप आग बाय कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे करिएगा और ये भी